ये देखिए है पलावा का स्टेडियम, बहुत बड़ा है। अभी मंदिर आते हैं ना, तो वहाँ से जो भी आता है दोस्तों की हमेशा अच्छी संगति करनी चाहिए। जैसे हम हेलो मेरे YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी, और आज का जो ब्लॉग है संडे स्पेशल ब्लॉग है, तो लास्ट तक देखिएगा ब्लॉग को। आज मैं पलावा का कुछ व्यू शेयर करने वाली हूँ कासा रियो का। एक मुझे रिक्वेस्ट आया था किसी का कि कासा रियो का भी ब्लॉग शेयर किया कीजिए, क्योंकि हमने एक्सपीरिया मॉल के इधर जो कासा बेला है उधर का बहुत सारा ब्लॉग डाला हुआ है चैनल पर, और इधर रियो का बहुत कम ब्लॉग है। तो चलिए आज मैं रियो का कुछ व्यू दिखाती हूँ, मेरे साथ चलते रहिएगा और लास्ट तक देखते रहिएगा, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। आज सिर्फ और सिर्फ मैं हरियाली दिखाऊंगी रियो की, और इवनिंग के टाइम में या मॉर्निंग के टाइम में अगर आप इधर आते हैं घूमने तो काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा मतलब इधर का सीन है, बहुत ही हरियाली ही हरियाली है। इसे कोयल का बहुत ही प्यारा मनमोहक आवाज़ आ रहा है, कुकू, और यहाँ पे कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आज क्रिकेट का जो स्टेडियम है रियो में वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी, लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है यहाँ पे, और जो कासा बेला है ना उधर फुटबॉल स्टेडियम है, तो लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा वीडियो को। यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत फूल लगाया गया है, फूल अभी इसका छटनी हुआ है इसलिए, नहीं तो ये पूरे में जब लाल लाल कलर का दिखता है ना ये वाला, देखिए इस टाइप का बहुत ही प्यारा लगता है ये। और इधर पेरू देखिए कितना सारा है, बहुत सारा पेरू है इधर, देखिए अभी मेरे हस्बैंड उधर जा रहे हैं पेरू दिखाने। हरा हुआ है क्या, हरा हुआ है पेरू, छोटा छोटा है ना, बहुत छोटा छोटा है ना, रियली बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना, बहुत ही यूनिक लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है दूर से जैसे घोंसला है ना। जो रियो का ग्रीन व्यू है, ये सब दिखाने के बाद आज मैं आपको मंदिर भी दिखाऊंगी, गणपति मंदिर, और वहाँ पे संडे के दिन बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होते रहता है। इस्कॉन टेम्पल से कुछ लोग आए हुए रहते हैं खारघर से, और प्रवचन वगैरह होता है, प्रसाद भी बढ़ता है खीर का या खिचड़ी का। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, कुछ देखिए हर जगह यहाँ पे छोटे छोटे ग्राउंड है तो हर जगह खेलते रहते हैं। और मंदिर से होने के बाद, मंदिर दिखाने के बाद लास्ट में मैं स्टेडियम दिखाऊंगी जाते टाइम, क्योंकि वो मुझे रास्ते में मिलेगा। और संडे को हम लोग ऐसे ही आसपास में बस घूमने निकल जाते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। और मेरा बेटा भी खेलते रहता है, संडे को बिजी रहता है ना, वो भी अपना दोस्तों के साथ नीचे ही खेलते रहता है सोसाइटी में, तो मैं और मेरे हस्बैंड निकल जाते हैं। और बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, जैसे 8-10 साल के ऊपर हो जाते हैं ना बच्चे, तो फिर मम्मी पापा के साथ हर जगह जाना पसंद नहीं करते, वो अपने दोस्तों में बिजी हो जाते हैं, तो फिर अपना हस्बैंड वाइफ का ही साथ रहता है। तो इसलिए आप लास्ट तक देखते रहिए और इन्जॉय कीजिए, और कुछ भी अगर पूछना हो क्वेश्चन तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट करके, ठीक है दोस्तों, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल तो ऑन ज़रूर कर ही लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँगी ना तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए लास्ट तक देखते रहिए, और चलिए अब मंदिर चलते हैं, थोड़ी देर में मंदिर में पहुँच जाऊँगी, तो मंदिर चल के आपको भगवान का भी दर्शन करवाऊँगी, और उसके बाद आपको स्टेडियम दिखाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे नाइट में कुछ इस तरह का व्यू है पलावा का, कैसा लग रहा है आपको बताइए। देखिए यहाँ पे पलावा का बस 12 बजे रात तक चलते रहती है। अभी एक बस आई है यहाँ पे गणपति मंदिर के सामने, अभी हम लोग खड़े हैं। अभी फाइनली आ गए हैं हम लोग गणपति मंदिर, और चलिए अब चलते हैं अंदर। अ
अभी हम लोग पहुँच गए हैं गणपति मंदिर और यहाँ पे आके देखिए सबसे पहले टीका लगवा रही हूँ मैं। ये टीका लगवाना मुझे बहुत ही पसंद है और वैसे जो लोग भी यहाँ पे आते हैं ना सबको ही लगाते हैं लोग, पर पूछ के लगाते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, अगर आपको इंटरेस्ट हो तभी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते रहिए कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। बड़े सारे रूल्स रेगुलेशन की बहुत सारी बात बात है, रिसेंटली आना है, आइए फिर भी करते हैं इन वो समय भी ऐसे कभी पीछे लाते थे सर को और कौन कहाँ चला गया खुदा है। फिर भी मैं कहता हूँ खुदा मतलब मुसलमान में समझे ना, खुदा बॉडी से अरेबिक वर्ड कहना समझना कि मैं हिमाचल की बात। सो हमने उस जो आप लोगों ने सजेस्ट किया था तो शॉपिंग किस प्रकार से थी, ये देखिए यहाँ पे है पवार पब्लिक स्कूल, पिज़्ज़ा हट, यहाँ पे एक क्लब हाउस है और चलिए मैं अभी दिखाती हूँ। ये देखिए पवार पब्लिक स्कूल और इसके सामने से हम लोग जाएंगे स्टेडियम की तरफ, तो अभी देखते रहिएगा लास्ट तक। ये देखिए पवार पब्लिक स्कूल, अभी हम लोग देखिए यहाँ पे आ गए, यही है स्टेडियम। यहाँ पे यह स्टेडियम के पिछले हिस्सा हम दिखा रहे हैं आपको, बहुत बड़ा स्टेडियम है जो कि आगे साइड से दिखेगा। हाँ देखिए ये है स्टेडियम। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कैमरा को जूम करके दिखाती हूँ, थोड़ा सा स्लोली चलाइएगा। हाँ मैं दिखाती हूँ, देखिए हॉस्पिटल बन रहा है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, हेलो हम एम्स हॉस्पिटल ना, एम्स हॉस्पिटल बन रहा है। जब कभी मंदिर आते हैं ना तो वहाँ पे जो भी हम सुनते हैं भजन भक्ति और प्रवचन जो चलते रहती है ना, उससे मन हमारा पवित्र हो जाता है और बहुत देर तक हमारे दिमाग में हमारे मन में वही सब गूंजते रहता है। तो इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि हमेशा अच्छी संगति करनी चाहिए। जैसे हम मंदिर जाते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में वही भगवान याद आते हैं और अच्छी भजन जो चलते रहती है वहाँ पर वो सब। तो इसीलिए कभी भी गलत लोगों से संगति ना करें और हमेशा अच्छे व्यक्ति के साथ रहें। सब्जी खरीद के सीधा घर जाएंगे। बराबर नहीं रहा हूँ, ये क्या के दिया? बीस का अच्छा है। कैसे है बेटा? पैसा लो, पैसा लो, टाइम से पैसा। देखिए हम लोग कैसे लौकी, आज हम लोग थैला लेके आए ही नहीं थे ना, तो लौकी को ऐसे पकड़ के लेके